अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नासरीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में खैर मकदम है। डॉरी केस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा नसरीन बेगम ने अपने शौहर मोहम्मद अफसर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। बतारीख 26 अप्रैल को दिल्ली करस्पॉन्डेंट ऑफिस ने हैदराबाद के चंद्रा एंड गुट्टा टीम के जरिए इस मामले को पुरसकून तरीके से हल कर लिया, जिसके बाद अफसर खान ने भी नसरीन बेगम को मुआवजा अदा करने के लिए तैयार हो गए और शादी के दौरान दिए जाने वाले सारे सामान की वापसी का भी इन्होंने जिक्र किया। पेश है रिपोर्टर फहीम की 90S न्यूज़ के लिए खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल उनके पास भी काफी भेजे और लास्ट में लोग पूरे जगह यही डिमांड करे फॉर द काइंड पर्सन रेफरेंस एंड द नेसेसरी एक्शन उनके पर के दूसरी शादी करते इस तरह से उनके पर। लेकिन बातचीत वो हो गई, बहुत सारे कोशिश करे बाहर जाने से, मतलब किसी से बता दो अपने वुमेन की तरफ से हम लोग पीसफुल से सेटलमेंट कराए। समझा, अलहमदिल्ला वो पीसफुल से काम करने के लिए तो दोनों भी मुतमैन है। आप दोनों से पूछ के आगे तो कार्रवाई करें, हम हमारा तो करके रेडी रखे और आप भी उनसे बयान देंगे। आपको यूनिफॉर्म बाइक दिए थे, नेट कैश 95,000 के आपको, वो आप जो है दे दे रहे थे। डाउरी केस में डाउरी जो है कंपोजिशन आपको 50,000 के लिए थे, वो भी आप उनको लौटा दे रहे हैं। और कंपोजिशन में अपने तरफ से 2,05,000 रुपये दे रहे हैं और ये टोटल मिला के 3,50,000 रुपये उनको आप नेट कैश दे रहे हैं, ठीक है। और 3,50,000 किलो सुना फर्नीचर क्लॉथ कपड़े इलेक्ट्रॉनिक उसमें आप मालूम आइटम लिख के आप दे दीजिए, ठीक है। ये पेपर में है आपका रुपए है, मतलब दो रुपये सेंड करके आपको काम पर देखते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह भाई साहब का प्रोसेस होगा। हाँ सर, दो मिनट बंद कर लेना भाई, और बंद कर मैंने आप जिम्मेदार हैं, अल्लाह के पास हम जिम्मेदार नहीं हैं। छोड़ने छुड़ाने के मसले में हमको क्या है, कुछ तो 1,000-2,000 मिलते खुश हो जाते, 2,000 रुपये हमारे को एक आधे घंटे में चले आते, पैसे की अहमियत कुछ भी नहीं। जिंदगी का मसला है अल्लाह अल्लाह के रसूल ब्यूरो के ऑफिस पे आके लोग करस्पॉन्डेंट ऑफिस है, यहाँ पे आके लोग अप्रोच करके ये लोग मुतालबा करे के हिंदी सरकार हैदराबाद टीम के साथ हमारे जो है इंसाफ करो कि जो केस है हमारे क्या कि अपने तरफ से फला ले रहे, तो वो चीज़ है। और उसके बाद भी आपको जो डिमांड करे थे तो डिमांड में बोले कि हम लोग हम देखते हैं हमारे कोई जरूरत नहीं, आगे अपने तरफ से देगा जो दे रही चीज़ें आपको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, फर्स्ट का कर दो, बाकी के तो छोटे छोटे चीज़ें हम फर्नीचर के आपको आता। आप जो रूम जो लिए थे मोहम्मद अफसर सनाब अहमद वाली साहब रेंटा मदर डिस्ट्रिक्ट रेडी टू पे कॉम्पोजिशन आप तैयार है देने, ठीक है। तो नसीम बेगम डॉक्टर मोहम्मद रशीदुद्दीन साहब ऊपर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में अलॉन्ग विद द आइटम्स गिवन ड्यूरिंग वेटिंग द लिस्ट ऑफ मेंशन बिलो। आवाज सब आनी आई अंदर ही नहीं सेंड करो जिराक से साहब, सेंड करो स्टाम्प लो। आधार दिए थे आपके पुलिस आधार दिए थे तो कर ही है, एक्स्ट्रा लाइक है फिर भी देख लीजिए है, हाँ वो शो कर दीजिए आप, ओरिजिनल भी चक्कर लीजिए सर, ऐसा बात तीनों का भी बता दो, आपका भी बता दो। ये आपका है जरा ओरिजिनल निकाल के बता दो, जरा निकाल तो शो कर दो फिर एक बार निकाल के सामने रखो देख लेते हुए होने साहब यार नेक्स्ट उनका ही समीप ले आपका भी लेना ले ले।
सही रखते हो साहब, देखिए साहब हाँ खुला खोल के रखिए, अच्छी बात है, देखिए भी खोल के रखिए, आप ओपन करके रखिए, आप अलैकुम। मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, अफसर हूँ, मोहम्मद अफसर नाम है मेरा, सनाफ अहमद गनी। मैं जमील साहब के पास आया था, आपकी मेरी शादी 2017 में हुई थी शादी, हमारे घर वालों के वजह से जमील साहब के पास आना पड़ा मेरे को, क्या वुमन राइट्स क्या नाम। कितने दिन पहले आए थे जमील साहब के पास? जमील साहब का 2 महीने पहले आया था। क्या करे उन्होंने आपको, आप जब मुलाकात करे तो कुछ फीस वगैरह की बात करे थे? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया नहीं लिया मेरे पास, 1 चाय भी नहीं पिया आज तक। जमील ह्यूमन राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स के पास आया था मैं। और आपको कुछ तकलीफ दी फिर बार बार आने के लिए? नहीं नहीं नहीं, पहली बार आया मैं, आए की दिन में खुला दिला दिए मेरे को, जो भी है 1-2 कर देके भेजा दिए मेरे को। खुला से आप मुतमईन हैं? हाँ एकदम मुतमईन है, पूरा हो गया। तकलीफ पहुँची आपको? नहीं 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 पहुँची नहीं। जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल ह्यूमन एंटी करप्शन एंटी करप्शन एंटी क्राइम एंटी करप्शन वीरो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीउद्दीन, 11th वार्ड TRS काउंसलर मेदक हूँ मैं। हमारे अफसर साहब के खुला के सिलसिले में मैं यहाँ पर पहुँचा। अफसर साहब की शादी 2017 में हुई थी, वो लड़की अपनी खुदी से खुला देने पे मजबूर हो गई। लड़की को मैं कई बार समझाया लेकिन लड़की अपनी मर्जी से खुला दी। ये हमारे जमील साहब एंटी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम करप्शन ब्यूरो जो हैं उनसे रब्त पैदा करें, उन्हों बिना किसी मुआवजे के बिना किसी चाय के उन्हों बुलाए, हम दोनों को बुला के ये फैसला हुआ आज। ये अगर कोर्ट में फिरते तो 5 से 6 साल 8 साल लग जाते थे और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता था, फैसला सही नहीं होता था। यहाँ पर आके मैं ये फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचा था कि ये एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो में इतना अच्छा फैसला होता, बल्कि मैं ये फैसले से मैं मुतमईन हूँ। मैं सारी टीम का या जितने भी काम कर रहे हैं वो सारी टीम का और प्रेसिडेंट साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम नसरीन बेगम है, मैं फिर जो है उपल में रहने वाली हूँ और मेरे को मेरी शादी हुई May 18 को, 4-5 साल हो रहा शादी होके, और कैसे कि मैं छोड़ दी शोहर को या जमील भाई या कि नहीं, जमील सर का आने से मेरा काम बन गया, नहीं तो 5-6 साल लगते थे। ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो न्यू दिल्ली की तरफ से, मैं जमील साहब की तरफ, हमारे जमील साहब की तरफ अप्रोच हुई और इन्होंने कामयाब किया हमारे काम को, नहीं तो 6 साल लगते थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स का और उनके सदर अनवल मोइन गुप्ता साहब और हमारे हैदराबाद के जमील साहब का और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ह्यूमन राइट्स के एडवाइज़र मोहम्मद इजाज़ हुसैन एडवोकेट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो न्यू दिल्ली की तमाम टीम के साथ और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग प्रेसिडेंट मैं मिस्टर जमील खान हूँ। और यहाँ पे हमारे पास 26 अप्रैल 2021 डाउरी केस का एक हमारे पास जो है एक हमारे पास केस जो है फाइल करे थे, जिनका नाम है अकॉर्डिंग टू द डाउरी केस फाइल बाय नसरीन बेगम डॉटर ऑफ रशीद मोहम्मद रशीदुद्दीन साहब, और उनके जो है हस्बैंड जो है मोहम्मद अफसर और उनके वालिद साहब का नाम अहमद गनी साहब जो रेंट ऑफ मेदक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और लड़की जो है उपल फिरियाजीपुरा के रहने वाले हैं। ये लोग को जो है बच्चे की तरफ से और बच्ची की तरफ से हम लोग जो है सेटलमेंट करा के आज जो है उनका बच्ची की तरफ से खुला कराए, बच्चे को भी जो है मुतमैन करा के दो पार्टी को जो भी हम लोग जो है पीसफुल काम करके सेटलमेंट करा के हमारी टीम नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की तमाम टीम ये मिलके काम करके जो है इसको अंजाम करे, अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल हुआ। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और स्पेशली
हमारे हनुबल मोहित गुप्ता साहब, उनके गाइडेंसशिप में ये काम हुआ और ये लीडरशिप मेरी, इसमें जो है हम लोग तमाम टीम अंजाम दिए और ये काम को कामयाब करें। और मैं एक मैसेज यही देना चाह रहा हूँ आवाम को कि जो आज जो डाउरी केस के जो मसले चल रहे हैं, बैठ के सेटलमेंट कर लीजिए। पुलिस केस या कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए और जो हमारे हमारी सुन्नतें हैं उसको अमल करते हुए पीसफुल काम कर लीजिए। अगर जहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तो उसको जो है सेटलमेंट करके बाज़ाब्ता इस्लामी तरीके से बैठ के जो है इसको आपस में रब्ता करके जो सेटलमेंट करना ज़रूरी है। तो मैं आवाम से यही मुतालबा करता हूँ कि हर जगह जो पुलिस के ज़रिए से या कोर्ट कचहरी के ज़रिए से जो आवाम अप्रोच हो रहे हैं वहाँ पर जाना बंद करें और अपने अपने खुद फैसले, वो साहिब समझदार हैं, बैठ के अपने ख़ानदान के, अपने पड़ोसियों के, अपने जो भी जो समझदार लोग हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो एरिया के जो इंचार्जेस होते हैं, उनसे भी एक चार लोगों से काउंसलिंग करके बैठ के सेटलमेंट कर लें। इंशाल्लाह जो परेशानियां हैं वो आगे किसी को भी वो नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ और तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमारे को टाउन, हमारे पीसफुल टाउन करें, आज हमारा काम कामयाब हुआ। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला।